एट्रीब्यूट ऑफ ग्रुप्स, बेंसन 2001 में आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ग्रुप है उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. जो ग्रुप के लोग होते हैं वो अ सेट ऑफ पीपल इंगेज इन फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस. इनकी जो इंटरेक्शन है आपस में मेल जोल है, जो मेल मिलाप है वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और वो उनको दे आइडेंटिफाई विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ जब आप ग्रुप में इंक्लूड होते हैं तो आप बताते हैं कि ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं इस ग्रुप को जो है रिफ्लेक्ट के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ या करता हूँ. देन जो ग्रुप है वो आपके जो अदर्स हैं वो आपको, दूसरे लोग आपको डिफाइन करते हैं कि ये इस ग्रुप के लोग हैं और इनके क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, किन नॉर्म्स को ये फॉलो करते हैं और इनका कॉमन जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उनका कॉमन होता है और वो सेम होता है जिसको वो शेयर करते हैं. देन ग्रुप का एट्रीब्यूट ये भी है कि दे डिफाइन देमसेल्व्स एज अ ग्रुप. वो अपने आप को ग्रुप में, के हमारी फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से मिलती हूँ जुलती हूँ, या फिर मैं इनके साथ बहुत, मुझे कम्फर्ट जोन में रहती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन. फिर इसी तरीके से बॉयज बनाते हैं कि ये मेरा ग्रुप है जिसमें, बॉयज़ का ग्रुप अलग है जहाँ पे वो बाहर कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउटिंग के शौकीन होते हैं तो फिर उस तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं, उस तरह के फ्रेंड्स बना लेते हैं. फिर आपके जो ग्रुप है वो अपने काम, अपने कॉमन टास्क जो है वो इजीली अग्रीड पर्पसेस पे वो साथ करते हैं. सो जब आप एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो आपके ग्रुप में इस तरह की इंटरेक्शन होना और एक दूसरे को रिप्रेजेंट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, बिलीव वैल्यूज नॉर्म्स को, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करना, फिर एक दूसरे को डिफाइन करना कि हम एक ग्रुप में हैं. देन आपका जो ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे के काम के या कॉमन जो टास्क है उसको पर्पसली आप उस पर एग्रीड हों और आप उसको करने में एक दूसरे के साथ हेल्प आउट हो तो ही आपका अच्छा ग्रुप बनता है.